आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स फ्रेंड नेम अली, जफर, कादिर, हुसैन, राहिल एंड साहिल आर लिविंग इन सिक्स डिफरेंट सिटीज, विज दिल्ली, जम्मू, पुणे, मुंबई, पटना एंड भोपाल। दे आर ऑल सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टॉवर्स टू द सेंटर। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन जम्मू। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन पुणे, आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ अली। कादिर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन पुणे। टू पीपल सिट बिटवीन कादिर एंड द वन हु लिव इन मुंबई। हुसैन लिव्स इन भोपाल एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जफर। राहिल एंड द वन हु लिव इन पटना आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। जफर doesn't live in Patna. How many person sits between Sahil and the one who lives in Bhopal when counting from right of Sahil? Hame four options given hai. Option A hai 1, option B hai 2, option C hai 3 aur option D hai more than 3. Hame question mein diya gaya hai ki 6 friends hain, वो सिक्स अलग अलग डिफरेंट सिटीज से हैं और वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और अंदर की साइड फेस किए हुए हैं, यानी टेबल के अंदर की साइड फेस किए हुए हैं, बाहर की साइड नहीं है। अब हमें बाकी सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करना है। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक सर्कुलर टेबल। अब हमें क्या कहा गया है कि वो सभी जो हैं अंदर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। तो ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 5 और ये 6। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, फर्स्टली ओनली टू पीपल सिट बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन जम्मू। अली में और जम्मू में रहने वाले में कितने का फर्क है? 2 पर्संस का, ठीक है, बट हमें नहीं पता कौन है कहाँ है। अब नेक्स्ट दिया है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन पुणे। पुणे में रहने वाले के बीच और अली के बीच वन पर्सन बैठा हुआ है कोई, बट वी डोंट नो कौन है। वो उसके लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। कादिर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव इन पुणे। अब कादिर जो है वो पुणे में रहने वाले के कहाँ पर बैठा हुआ है? लेफ्ट, उसके जस्ट लेफ्ट में है। तो अब हम देखते हैं, सपोज पुणे में रहने वाला यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ हो सकता है, अब या यहाँ भी हो सकता है। अब कादिर जो है वो किसके पास है? पुणे में रहने वाले के लेफ्ट में है। तो अब यहाँ पर अगर है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। अगर कादिर यहाँ है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर हम सपोज करें कि कादिर यहाँ पर है तो फिर पुणे में जो रहता होगा वो ऊपर होगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन जम्मू। ये अभी हमें नहीं पता है तो अभी हम इसको रहने देते हैं।
ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अली एंड द वन हु लिव्स इन पुणे. अब ये दिया हुआ है कि अली में और जो पुणे में रहता है उसके बीच में कोई एक पर्सन है. अगर पुणे में जो रहता है वो यहाँ पर है तो अली किसके बाद आएगा? कादर के बाद, क्योंकि अली में और पुणे में रहने वाले में जो डिफरेंस होगा वो वन का है. तो मली को यहाँ लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट दिया हुआ है टू पर्सन सिट्स बिटवीन कादर एंड द पर्सन हु लिव्स इन मुंबई. अब जो मुंबई में रहता है उसके बीच में और कादर के बीच में टू पर्सन का डिफरेंस है. तो हम इस साइड से सर्कुलर में लेंगे कादर अली, ये टू पर्सन का डिफरेंस है. तो यहाँ पर मुंबई में रहने वाला जो भी है वो यहाँ आ सकता है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. हुसैन लिव्स इन मुंबई एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जफर. हुसैन जो है भोपाल में रहता है और जफर के जस्ट पास में है, राइट साइड. बट हमें ये नहीं पता कि जफर कहाँ पर है. राहिल एंड द वन हु लिव इन पटना आर नॉट एन इमीडिएट नेबर और जफर डजंट लिव इन पटना. अब जफर जो है वो पटना में नहीं रहता है और राहिल और जो पटना में रहता है वो इमीडिएट नेबर्स नहीं है. तो हम आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है. अब एक स्टेटमेंट और हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो था ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन अली एंड द वन हु लिव इन जम्मू. जम्मू में रहने वाले में और अली में टू पर्सन का डिफरेंस है. इफ अली यहाँ पर है तो जो जम्मू में रहता है वो यहाँ होगा, क्योंकि ये जो है टू पर्सन का डिफरेंस है. तो जम्मू में जो कोई है वो यहाँ हो सकता है. अब नेक्स्ट देखते हैं. जफर का दिया है कि जफर जो है पटना में नहीं रहता है. अब जफर के लिए हमें एक चीज क्लियर दी है कि वो पटना में नहीं रहता है और जफर के पास कौन है? भोपाल में जो रहता है वो हुसैन है. अब क्या हम जफर को यहाँ लिख सकते हैं? हम करके देख लेते हैं. ये हमने जफर सपोज यहाँ पर है तो उसके पास कौन होगा? हुसैन जो भोपाल में रहता है. क्योंकि वो जो है जफर के इमीडिएट राइट में है. अब नेक्स्ट देखते हैं. हमें कहा गया है कि राहिल और जो पटना में रहता है वो इमीडिएट नेबर नहीं है. तो अगर यहाँ पर तो राहिल या साहिल में से कोई आएगा. यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पटना और दिल्ली में से क्या आएगा. अब साहिल की हमें कोई डिटेल नहीं है बट राहिल का इतना पता है कि वो पटना में रहने वाले के पास नहीं है. तो सपोज हमने साहिल को यहाँ लिखा है तो हम राहिल को यहाँ लिख सकते हैं. नेक्स्ट है राहिल पटना में रहने वाले का इमीडिएट नेबर नहीं है. उसके एक छोड़कर हो सकता है, दो छोड़कर हो सकता है. अगर राहिल यहाँ पर है इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जम्मू है. अब यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वो इमीडिएट नेबर नहीं है राहिल का. तो यहाँ हो सकता है तो पटना में जो है अली रहता है. अब बचा क्या? दिल्ली. तो दिल्ली में कौन है? कादिर. अब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन साहिल एंड द वन हु लिव इन भोपाल व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ साहिल. साहिल के बीच में और भोपाल में जो रहता है उसके बीच में कितने पर्सन का डिफरेंस है अगर हम साहिल के राइट साइड से काउंट करेंगे? तो साहिल ये है. अब इसका राइट साइड ये डायरेक्शन है
और इसका लेफ्ट साइड जो है वो ये डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है उसका और ये राइट है। अब साहिल के लेफ्ट से जाके देखते हैं, पहले 1, 2, 2% का डिफरेंस है और राइट साइड से कितने का डिफरेंस है, 1 का। हमें पूछा है कि राइट साइड से कितने का डिफरेंस है साहिल में और जो भोपाल में रहता है उसमें, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।